हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक नया क्यूनिंग सेशन आप लोगों के लेकर आया हूं, जिसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है दोस्तों विजय कहलोन जी से। विजय जी लिखते हैं कि भाई साहब, मैंने सुना है कि सीएनजी गैस वाली गाड़ी का इंजन जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएनजी गाड़ी के इंजन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में कि सीएनजी गाड़ियों का इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है, उसकी ट्यूनिंग सही से हुई है, अगर गाड़ी को सही से फ्यूल मिल रहा है, तो गाड़ी पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप नॉर्मल अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, वैसे आपको सीएनजी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना पूरा जो सीएनजी का सेटअप है, उसका ध्यान रखना है कि प्रॉपरली काम करे, आपकी गाड़ी की जो सीएनजी का इश्यू है उसका ट्यूनिंग वगैरह सही हो, गाड़ी को प्रॉपर सीएनजी मिले, पावर लैग वगैरह आपको बहुत ज़्यादा फील ना हो, झटके ना मारे गाड़ी। अगर ट्यूनिंग सही है तो गाड़ी के इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी गाड़ी लॉन्ग रन में अच्छा करेगी। क्योंकि जो सीएनजी है एक फ्यूल है, सिर्फ आपके जो फ्यूल का जहाँ पे चैम्बर होता है, बर्निंग चैम्बर होता है, वहाँ पे पेट्रोल की जगह सीएनजी जाती है, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी जो गाड़ी का पूरा इंजन का दूसरा सारा कंपोनेंट है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस सीएनजी गाड़ी में जो मेन चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो ईसीयू का सेटअप है अच्छा होना चाहिए, उसकी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर फ्यूल मिले। और बाकी जैसे आप गाड़ियों का नॉर्मल सर्विस कराते हो, वैसे ही आपको सीएनजी गाड़ी की भी सर्विस करानी है। बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीएनजी गाड़ी पे आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। विजय कालोन जी का ये दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी गाड़ी का माइलेज क्या है। तो मेरी गाड़ी जो है टियागो एक्सजेड प्लस है। तो टियागो एक्सजेड प्लस का जो सिटी में माइलेज आता है वो करीब 11-12 किलोमीटर पर लीटर से लेकर के 15-16 किलोमीटर पर लीटर तक आता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन। अगर रोड्स वगैरह अच्छी हैं, ट्रैफिक कम है, तो 15-16 तक का माइलेज निकल जाता है। और अगर रोड थोड़ी बुरी है, ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, तो फिर 11-12 का भी माइलेज आता है सिटी में। हाईवे पे आपको 18 से लेके 22-23 के एमपीएल तक का माइलेज मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइक आप चला कैसे रहे हो गाड़ी को और किस तरीके की रोड कंडीशन हैं, ट्रैफिक कंडीशन हैं। तो मिनिमम 18 के एमपीएल आप मान के चलो हाईवे पे, और मैक्सिमम आपको 22-23 के एमपीएल तक आराम से हाईवे पे माइलेज आपको टियागो से मिल जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रिंस कुमार जी का। प्रिंस कुमार जी लिखते हैं कि एक्सजेड या एनआरजी कौन सी बेस्ट रहेगी। तो प्रिंस जी देखिए, आप अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की डिमांड आप करते हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जो एनआरजी में अवेलेबल हैं, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है आपको, उसमें आपको आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का ज़्यादा मिल जाता है, तो एनआरजी जो है थोड़ा सा अलग लुक की गाड़ी है। अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत आपको लग रही है, तो आप एनआरजी पे जा सकते हो। क्योंकि देखो, गाड़ी तो दोनों सेम है, इंजन दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट 90% दोनों गाड़ियां सेम है, सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस है। तो आप देखिए कि एनआरजी में आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, और आपको फीचर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है वो फीचर आपके लिए मैटर करते हैं, तो आप एनआरजी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फीचर इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो आप नॉर्मली एक्सजेड पे भी जा सकते हैं, आपको कुछ पैसे बच जाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है वामन जी से। लिखते हैं कि व्हिच टियागो मॉडल इज बेस्ट, प्लीज सजेस्ट। तो टियागो में देखिए वामन जी, बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं, लाइक आपको एक्ससी, एक्सटी ऑप्शनल, एक्सटी, एक्सजेड और एक्सजेड प्लस, ये आपको पांच जो मेन मॉडल हैं टियागो में आपको मिल जाते हैं। उसमें से बेस्ट कौन है, डिपेंड करता है कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, तो फीचर ही इसमें ज़्यादा मैटर करता है कि आपको कौन सा फीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक बेहतर वेरिएंट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी में होना चाहिए, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आपको एक्सटी शायद लेना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि एक्सटी में क्या है कि आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक्सटी में आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, हालांकि उसमें टच स्क्रीन नहीं आता, बट लुक काफ़ी अच्छा आता है, आपको उसमें सिस्टम मिल जाता है, मैनुअल एसी आपको मिल जाती है। तो जो एक बेसिक फीचर होने चाहिए गाड़ी में, वो सारे फीचर आपको एक्सटी में मिल जाते हैं। तो आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कराने को तो आप करा सकते हो, लोग टॉप मॉडल में भी कराते हैं, लेकिन जो मस्ट हैव चीज़ें होती हैं, जो आपकी गाड़ी में होनी होनी चाहिए, जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ें एक्सटी में आपको मिल जाती हैं। और सेकेंड बेस मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा कम पैसे में आपको मिल सकती है। तो अगर आप एक
लिमिटेड फीचर मस्ट है फीचर के साथ एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, बहुत महंगी भी नहीं आप लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आपके लिए आई थिंक टियागो XT बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे वेरियंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल है वह है प्रतीक जी का। प्रतीक जी लिखते हैं कि सर जी टिगोर XZ कैसी है कंपेयर टू डिजायर VXI और एवरेज कितना मिल सकता है, साथ ही टियागो XZ और टिगोर XZ में कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि टियागो XZ और टिगोर XZ की बात करें दोनों का इंजन सेम है, गाड़ियों में जो मेन डिफरेंस है वो बूट स्पेस का है। तो अगर आपको एक बड़ी बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहिए तो आपको टिगोर पे जाना चाहिए। अगर आपको जो टियागो में बूट स्पेस आता है 242 लीटर का, अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं, उससे आपको काम चल सकता है, तो आप टियागो पे जा सकते हैं, आपको थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पे फीचर्स में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बूट स्पेस का मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको डिज़ायर VXI पे जाना चाहिए या फिर टिगोर XZ पे जाना चाहिए। तो देखिए दोनों के अपने कुछ प्रॉस हैं कुछ कॉन्स हैं। जैसे आपको जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर है, अगर उसकी बात करें तो उसमें आपको इंजन जो है 4 सिलेंडर मिलता है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है और काफ़ी बेहतरीन इंजन है स्विफ्ट डिज़ायर का। लेकिन वहाँ पे आपको सेफ्टी से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है क्योंकि उसकी सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। बिल्ड क्वालिटी आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे तो काफ़ी हल्की है, लेकिन आपको माइलेज थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है टिगोर के कंपेरिजन में। टिगोर की माइलेज की बात करें, जो टियागो का माइलेज है ऑलमोस्ट वही माइलेज आपको टिगोर को ही मिलता है, अभी मैंने पहले वीडियो में बता दिया, तो सेम माइलेज आपको टिगोर का मिल जाएगा। आप अगर डिज़ायर में जाते हैं तो आपको उसमें 1-2 किलोमीटर का माइलेज ज़्यादा मिल सकता है, गाड़ी थोड़ी सी हल्की है। मेन डिफरेंस यही है कि आपको अगर डिज़ायर पे जाना है तो डिज़ायर आपको थोड़ा सा सेफ्टी में कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट इंजन वहाँ पे बेहतर मिल जाएगा। हालांकि टिगोर का भी इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया इंजन है, क्योंकि सेम गाड़ी मैं चला रहा हूँ टियागो, सेम इंजन इसमें आता है, तो इंजन में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको NVS लेवल ज़्यादा लगेगा इन कंपेयर टू आपका डिज़ायर, लेकिन वैसे गाड़ी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करती है और सेफ गाड़ी है, 4 स्टार रेटेड कार है और हाईवे पे काफ़ी बढ़िया चलती है, काफ़ी स्टेबल गाड़ी है। तो अगर इन सब चीज़ों को कंपेयर करूँ, प्राइस कंपेयर करूँ, तो मुझे लगता है कि टिगोर XZ कहीं ना कहीं एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट निकल के सामने आता है। तो आप टिगोर XZ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेफ भी है, इंजन भी इसका बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी स्टेबल गाड़ी है, इसका स्टेयरिंग काफ़ी एक्यूरेट है, हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, तो आप टिगोर पे जा सकते हैं, टिगोर XZ आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर आप छोटा बूट स्पेस जो टियागो में आता है अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप फिर टियागो पे भी जा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है मनीष नरवाल जी से। मनीष जी लिखते हैं कि भाई जी मेरे पास टाटा टियागो XZ प्लस है जिसमें वीडियो सॉन्ग्स कम स्पीड पर ही चलते हैं, क्या म्यूजिक सिस्टम में बाहर से कुछ ऐसा करा सकता है कि सॉन्ग्स कंटिन्यू हाई स्पीड पर भी चलें। तो मनीष जी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कुछ छेड़छाड़ ना करवाएं आफ्टर मार्केट। एक तो उससे आपका जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा जो फीचर दिया गया है कि आपकी हाई स्पीड्स पे सॉन्ग्स बंद हो जाए, एक्चुअली सेफ्टी फीचर है, आई थिंक बढ़िया भी है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो अगर सॉन्ग्स चल रहे हैं तो हो सकता है आपका जो ध्यान है इधर उधर भटके, डाइवर्ट हो और उसमें कुछ हादसा भी हो सकता है, इसलिए एक सेफ्टी फीचर दिया गया है जब भी हाई स्पीड पर गाड़ी जाती है सॉन्ग्स बंद हो जाते हैं, जो कि आई थिंक अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको जैसे है ऐसे रहने दीजिए, इसको आप कुछ भी छेड़छाड़ मत कराइए, ये आपके सेफ्टी के लिए है और आपके लिए बेहतर ही है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।